बोलते कि पार्टी को तो भाजपा को खतरे कभी प्रमाण देगा कि नहीं। आप बीजेपी की ओर झुकेंगे या फिर कहीं और? मैं बीजेपी में कभी झुकते भी नहीं थे ना, झुकेंगे। तो ऐसे में मुसलमान की सोच ज़्यादा पसंद करेंगे, महागठबंधन या महागठबंधन? देख रहे लाइव सिटीज डॉट इन और मैं हूँ वसीम खान। नरेंद्र मोदी के 5 साल पूरे होने के आए, नरेंद्र मोदी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। हम जाने निकले हैं मुसलमानों से कि कितने अच्छे दिन आ गए हैं उनके लिए। कितने अच्छे दिन आ गए आप लोगों के? अभी लोगों के पूरे हिंदुस्तान के लिए कोई भी अच्छा दिन नहीं आया। नरेंद्र मोदी की 5 साल हुकूमत में सारा हिंदुस्तान परेशान है हाल। आज तक मुसलमानों के हक में उन्होंने जो काम किया है, सिर्फ चाहे मुसलमान और बाबरी मस्जिद के अलावा कोई भी कदम उन्होंने उठाया। मुसलमानों को जितना भी तकलीफ पहुँचाई जाए वो पहुँचाने के लिए हर वक्त तैयार है। क्या इस बार के चुनाव में मुसलमानों का झुकाव मोदी की ओर होगा या फिर कांग्रेस की ओर? इंशाल्लाह हम लोग वक्त आने पर जो सही फैसला हो वो करेंगे। नरेंद्र मोदी की पार्टी को तो भाजपा को खतरे कभी प्रमाण देगा ही नहीं। बिहार में महागठबंधन हो गया है तो क्या लोगों का रुझान महागठबंधन की ओर जाएगा? गठबंधन की ओर नीतीश कुमार हैं, एक अच्छे इंसान हैं, वो उनको जा सकता है। वो तो एनडीए में चले गए हैं, एनडीए हाथ जा रहे हैं, फिर भी एनडीए के साथ वो हुकूमत चला रहे हैं लेकिन बेहतर चला रहे हैं। बिहार में कम से कम मुसलमान महसूस कराना, हिफाजत करने वाला तो अल्लाह है सब, लेकिन एक जरिया बना लेता है इंसान। नीतीश कुमार यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ क्या है वहाँ पे छुपी हुई थोड़ी है, मीडिया ने कुछ छुपी हुई है। मुसलमानों के अच्छे दिन नहीं आए? इसी के नहीं अच्छे दिन आए मुसलमानों के, कौन सा बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। तो इस बार क्या होगा, झुकाव होगा बीजेपी की ओर लोगों का या फिर कांग्रेस की ओर झुकेंगे? अब लोगों का जो नहीं कर सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं। आप बीजेपी की ओर झुकेंगे या फिर कहीं और? मैं बीजेपी में कभी झुकते भी नहीं थे ना, झुकेंगे। मुसलमानों के लिए आप खराब होंगे, हर चीज़ पर पाबंदी लगा दी। किस तरह खराब दिन हो गए आपसे? नमाज पढ़ने में न्यूडा में ऐसा हुआ, नमाज पढ़ने में पाबंदी लगाई गया। क्या लोग मुसलमानों का अब झुकाव किस ओर होगा, बीजेपी की ओर होगा? नहीं नहीं, आगे आगे नहीं जब कोई ऐसा कोई बात नहीं होगी। जब बिहार में महागठबंधन बन चुका है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, तो ऐसे में मुसलमान की सोच ज्यादा पसंद करेंगे, महागठबंधन या महागठबंधन? महागठबंधन क्या? नरेंद्र मोदी के पास जो डिक्टेटरशिप चल रही है इससे भी अच्छे दिन आने वाले हैं क्या? अभी भी उम्मीद लगा रखा है क्या उन्होंने कि मतलब इससे भी अच्छे दिन आएंगे? और अच्छे दिन लाएंगे तो मतलब कि उनका कहना ये है कि और भी हम लोगों का भड़क भड़ा गर्क करने वाले हैं, और भी धरती में रहने वाले हैं, ये उनकी उम्मीदें हैं। ये और जहाँ तक उनकी चाहत है कि हमारी पार्टी बहुत चमक रही है, जैसे एक टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी साहब बोले थे कि इंडिया शाइनिंग और फील गुड, वो भी इंडिया चमक रहा है और अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो ये मोदी जी क्या इसमें एक स्लोगन बनाएंगे, इनको भी कुछ बनाना चाहिए ऐसा, जैसे कि समझ में आए कि भाई इनकी पार्टी चमक रही है, हमारा देश चमक रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। वैसे मुसलमानों का झुकाव किस ओर होगा, कि बीजेपी की ओर होगा या फिर कोई अदर पार्टी जैसे कांग्रेस बड़ी पार्टी है उस ओर जाएगी? मुसलमानों का झुकाव कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वे में है, वैसे है तो मुसलमान तो एकजुट रहते ही हैं। वैसे मुसलमानों के लिए जहाँ तक बात है किसी पार्टी की ओर झुकने की बात, तो जो जैसे मुसलमानों को लुभाएगी मुसलमान उसकी ओर जाएंगे, चाहे वो कोई भी पार्टियाँ हों। मगर ये बीजेपी कहेंगे कि हम मुसलमानों का विरोध करके हमारे पक्ष में अगर मुसलमान कोई मतलब फेवरेबल बात करें वो, तो ऐसा नहीं है। जो पार्टी हम मुसलमानों के लिए सोची कि मुसलमान उनके लिए सोचे, ऐसा कोई मुसलमान ऐसा नहीं है कि मतलब वो अच्छा नहीं करेंगे हमारे लिए तो हम उनके लिए नहीं सोचेंगे, हमारे लिए अच्छा करेंगे हम सोचेंगे। क्योंकि हमारी नीति यही है कि भाई हमारे साथ अच्छा करो, अच्छे व्यवहार करो, अच्छे से पेश आओ, हम लोगों का ये चाहत। और हम लोगों की कोई ऐसी चाहत नहीं है कि आप हमारे साथ अच्छा करें या ना करें, ये तो ऊपर मालिक पर डिपेंड करता है। मगर आपका कहना ये है कि आप कहते हैं कि एक मुसलमान ही आपका एक दुश्मन है क्या? आप उनको हमेशा दुश्मनी नज़र आता है,
हर एक जगह का नाम चेंज किया, जहाँ मुसलमानों की जगह वही उसी जगह को ये चेंज करना चाहते हैं। कहते हैं कि भाई इलाहाबाद का नाम चेंज करो, फैजाबाद का नाम चेंज करो, मुस्तफ़ाबाद का नाम, क्यों मुसलमानों की जगह कहीं क्यों चेंज करनी है? जो मोदी जी अपना नाम क्यों नहीं चेंज करना है? अमित शाह का नाम, ये शाह जो इन्होंने लगाया है अपने आगे, शाह तो मुसलमानों के आगे लगता है, तो अमित शाह ने कहाँ से ये शाह लेके आए? ये तो है नहीं ये शाह। तो फिर ये क्या चाहते हैं मुसलमानों से, क्या उम्मीद करना, क्या चाहते हैं, उम्मीद क्या सोचते हैं मुसलमानों से? मुसलमान इनके फेवर में रहें और इन मुसलमानों को ये मतलब नीचा भी दिखाएं, और ये क्या अभी शेल्टर हाउस बंद करो और ये गौ हत्या बंद करो, ये सब क्या है? अगर ये गौ हत्या बंद करेंगे तो आज के डेट में सारे गौ हत्या जो हो रही हैं, जो मुसलमान अगर नहीं करेंगे तो इसमें ये बताया है कि मोदी जी ये लेदर का जूता कहाँ से पहनेंगे, लेदर के जैकेट कहाँ से पहनेंगे, ये बड़े बड़े सेस पे कहाँ से घूमेंगे, लेदरों का सामान कहाँ से यूज़ करेंगे? और ये कहते हैं बंद भी करो, दूसरी साइड से कहते हैं कि स्टार्ट भी करो, और इसमें तो सारे व्यवसायी तो सारे मारवाड़ी लोग हैं, सारे तो बीजेपी के लोग हैं, सारे आरएसएस के लोग इसमें भरे हैं, सारे सप्लायर हैं। विकास की बात करें ना, गांव हत्या बंद, विक्रम महागठबंधन जिसमें कांग्रेस भी आई हुई है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन जिसमें नीतीश ने बीजेपी से हाथ मिलाया है, तो बिहार के मुसलमानों का झुकाव किस ओर? बिहार के मुसलमानों का झुकाव देखिए, कांग्रेस को तो लोग देते ही हैं, हमारे हम लोग तो वैसे में पुराने कांग्रेसी हैं, कांग्रेस की ओर तो है ही। अब जो जिससे गठबंधन करे, जो मुसलमानों को लुभा सकता है, जो मुसलमानों को फायदा पहुंचा सकता है, मुसलमानों से और झुकेगी? क्या नीतीश यदि लुभाते हैं मुसलमानों को तो क्या मुसलमान उस ओर लुक के जाएंगे? क्योंकि बीजेपी का जिस तरह आप बता रहे हैं, नीतीश झुकाते नहीं है, नीतीश तो खुद झुक चुके हैं, अब क्या झुकाएंगे मुसलमानों? नीतीश तो ऑलरेडी पहले से ही झुक गए हैं, झुक चुके हैं, झुकाने के लिए तब उनको खुद मुसलमानों को मिलना पड़ेगा, मुसलमान से मिल के अब वो नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो तो खुद झुक चुके हैं, झुके भी हैं तो मोदी के आगे झुके हैं। अरे कहीं झुकते ऐसे जगह जहाँ उनको समझ में आता है कि भाई उन्हें कुछ मिलने वाला है, मोदी क्या देंगे उन्हें? मोदी सरकार उनको कुछ दे रही है क्या? तो उनका पॉलिटिक्स डेट करने के लिए उनको बीजेपी ने आमंत्रित किया है। अभी अच्छा दिन कहाँ है पहले से भी बता, क्या अपेक्षाएं थी आप लोगों की जिसपे मोदी खड़े नहीं उतर पाए? मतलब कि मुसलमानों का एजुकेशन में मतलब कि अच्छा हो, तो कुछ भी नहीं। तो अब मुसलमानों का झुकाव किस ओर होगा, कांग्रेस की ओर होगा या फिर से एक बार चांस देंगे, एक बार फिर से मोदी सरकार को चांस मिले? जो काम अच्छा कर देंगे वो मोदी सरकार, मोदी सरकार अगर हवाई यात्रा बंद कर दे और मतलब भारत के विकास के लिए अगर सोचे तो हम लोग फिर से मोदी सरकार को पसंद करेंगे। लेकिन मोदी सरकार तो जब से मतलब बने सत्ता में आए तब से सिर्फ हवाई यात्रा, कभी चाइना है तो कभी इंग्लैंड है तो कभी अमेरिका है, कभी न्यूयॉर्क है, मतलब कहीं जापान है। अरे भारत के लिए सोचिए ना, आपको भारत का जनता आपको जिताया है, ना कि अमेरिका, ना लंदन, ना चाइना, ना जापान जिताया है आपको, यहाँ का जनता आपको स्वीकार किया है तो उस सत्ते पे, उस कुर्सी पे आपको बैठाया गया है। और हिंदू मुसलमान का भेदभाव को एकदम खत्म करें, विकास का मतलब के प्रति सबके लिए सोचिए, यहाँ की जनता के लिए सोचिए। जिस गांव में अगर सड़क नहीं बना है तो सड़क बनवाइए, जिस गांव में बिजली नहीं अब तक आया है बिजली बनवाइए, जिस गांव में पानी नहीं है तो पानी दीजिए। तो 5 साल तो उनके अब पूरे होने का है, तो अब इतने कम समय में वो क्या ये सभी कार्यों को जितनी अपेक्षाएं आप लोग बता रहे हैं क्या पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 साल में सिर्फ हवाई यात्रा किया है हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, बल्कि विकास तो अभी तक नथिंग दिख रहा है। बल्कि जब से 5 साल होने वाला है सिर्फ हिंदू मुसलमान, गांव हत्या, ये है वो है बस। अरे हमको तो लगता है, कभी कभी महसूस होता है कि अंग्रेज तो चला गया लेकिन हुकूमत हम लोग को ऊपर कर ही रहे हैं, अंग्रेज नहीं हिंदुस्तानी कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? कभी मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के मतलब हेड को मतलब चेंज कर दिया रात का रात, नोट बंद कर दिया रात का रात, क्या उससे फ़ायदा मिला? चलिए नोट बंद कर दिया, क्या हम लोग को फ़ायदा मिला? बोलते थे कि जनता के अकाउंट में इतना पैसा जाएगा, अरे 1 रुपया तो आया नहीं, बल्कि और डिटेल देते हैं जनता कि आपने इतना पैसा कहाँ से लाया। अगर कोई कैश लेकर जा रहा है, कोई बिजनेसमैन व्यापारी, तो उसका मतलब विवरण दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि जनता खुश रहे। जब जनता खुश रहेगा तो आप 5 साल क्या 50 साल तक रहेंगे, बस इतना कहना है हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी। अच्छे दिन आएंगे तो कितने अच्छे दिन आ गए हैं मुसलमानों को, आप समझ में आया कि अच्छे दिन क्या है? सब पूरा पब्लिक, देश की जनता जान रही है क्या अच्छे दिन आए।
नोटबंदी 12 बजे रात में ताली लगाते हैं, मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, गौ हत्या करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। पूरे देश कितना 52 या 53 देश घूम गए हैं अभी तक, एक भी वहाँ से कोई आया यहाँ पे सुई का फैक्ट्री लगाया? जो भी लगा हुआ पहले के ज़माने से लगा हुआ, इंदिरा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के टाइम कोस्टर लगा हुआ, कोई अच्छे दिन नहीं है, सिर्फ उनके आने से और बुरे दिन आ गए। तो क्या मुसलमानों का झुकाव होगा बीजेपी की? कभी नहीं, उनका झुकाव बीजेपी की तरफ तो होगा ही नहीं, एक वोट उनको नहीं मिलने वाला है मुसलमानों का। नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिलाया है, एनडीए गठबंधन हो गई, इधर महागठबंधन हो गई है, सभी दल एक तरफ आ गए, तो अब किधर जाएंगे नीतीश कुमार के? मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, मुसलमान सेकुलर है, सेकुलर पार्टियों के साथ रहेगा, चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस हो, उससे और जो भी जो दल है उपेंद्र कुशवाहा है उनके साथ भी जाएंगे, लेकिन सेकुलर है मुसलमान, सेकुलर रहेगा, सेकुलर पार्टी को वोट करेगा। हम जानने निकले थे मुस्लिम से कि मोदी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, तो कितने अच्छे दिन उनके लिए आ गए हैं। सभी ने अपने विचारों को खुलकर रखा। बहरहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आप रूबरू हो सके। धन्यवाद।